ये बहुत ही खास जगह है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मिडिल पॉइंट है ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मिडिल पॉइंट है। मैंने विड्रो करूंगा, फिर थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, सुबह से कुछ खाया नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट किया था। तो देखिए ये खाना भी आ चुका है और ये तो यहाँ का पीली पीली है जो मुझे काफ़ी पसंद। तो ये वाली जो है ये चिकन है, ये इधर का एक प्लांट है, एक प्लांट से दो तरीके का एक प्लांट यहाँ पे दिया गया है और ये एक साग है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और एक नई वीडियो पे। आज मैं अरुषा आ चुका हूँ, अरुषा काफ़ी खूबसूरत जगह है। हाँ जी, अफ्रीका में तंजानिया में काफ़ी खूबसूरत जगह है ये और काफ़ी डेवलप्ड है। मुझे लगा नहीं था अरुषा इतना डेवलप होगा। आई एम मेकिंग वीडियो। ओके, हाउ आर यू? हाउ आर यू? ओके गुड गुड, आई एंजॉय वॉकिंग हियर टू सी द सिटी। या ओके, या अरुषा सिटी, या या फ्रेंड्स कोना, या या ओके, नाइस टू मीट यू। या ओके, यू आर फ्रॉम? या मूव सर, वीडियो कॉल। ओह, I'm traveling, I'm making video. Let's go, man. I'm really up. Yeah, hi. Good, good. See you later. Okay, mister. Yeah. तो ये है तंजानिया। तंजानिया में लोग काफ़ी हसमुख है, बहुत ही हसमुख है और बहुत ही फ्रेंडली है यहाँ पे लोग। और ये जगह रिस्की नहीं है, ये जगह बहुत ही सुरक्षित जगह है। काफ़ी सारे देश है मैं जो घूम चुका हूँ, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, सारे के सारे सुरक्षित है। केनिया जैसा हाल नहीं है। और टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी टूरिज्म भी है इधर, काफ़ी सारे टूरिस्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में उतना तो टूरिस्ट मुझे दिखाई नहीं दिया था, लेकिन तंजानिया में टूरिस्ट बहुत है और यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग बुलाते हैं और हाय हेलो करते हैं, बुलाते हैं, वीडियो पे आना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और देखो ये जो अरुषा है बहुत ही डेवलप है, मतलब केनिया नैरोबी जैसा लग रहा है मेरे को, नैरोबी सिटी जैसा लग रहा है। नैरोबी जैसे बहुत ही डेवलप था, लेकिन नैरोबी में अकेले निकलना बहुत ही मुश्किल था, बहुत डर लगता था मुझे, इसलिए मैं हमेशा कोई ना कोई गाइड लेके ही निकलता था। और देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी देशों पे मैं घूम चुका हूँ जैसे कि रवांडा, उगांडा और बुरुंडी, उधर मेरे को उतना गाइड लेना नहीं पड़ा, मैं अकेले घूमता था रास्ते पे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो लगता था, लेकिन यहाँ पे आके मतलब तंजानिया में आके मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है। 6 दिन हो चुका है और मैं खूब घूम रहा हूँ अकेले। और एक चीज़ है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि लोग एग्रेसिव नहीं है बिल्कुल, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही खुश है, खुश मिजाज है लोग। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में तो लोग वीडियो बनाना लोगों को पसंद ही नहीं है। केनिया में तो लोगों को पसंद नहीं है और बुरुंडी में भी उतना पसंद नहीं करते लोग वीडियो बनाना, और रवांडा में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पुलिस वाले घूमते रहते हैं चारों तरफ, पता नहीं क्यों मेरे को भी डर लग जाता है। तंजानिया काफ़ी अच्छा है और अरुषा बहुत ही अच्छा जगह है, डेवलप जगह है ये। आप लोग अगर पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता है कि मैं तंजानिया में जब आया था तो किगोमा में रुका था। किगोमा से मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाया, अपलोड भी किया, फिर किगोमा से मैं बस लेकर अरुषा आ गया। अरुषा में मैं कल रात को पहुंचा, बहुत ही लेट नाइट मैं यहाँ पे पहुंचा, सुबह 6 बजे की बस थी और बस पहुंचा रात को 12 बजे, तो बहुत ही लेट हो गया। तो कल रात को पहुँचने के बाद और वीडियो नहीं बनाया और आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉक टावर है सामने, नज़दीक है, पैदल जा पाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो क्लॉक टावर के सामने जाऊँगा। वहाँ पे एक बैंक है जहाँ पे जाने पर मुझे पैसा मिलेगा। बैंक तो देखो, बैंक ATM मेरे हॉस्टल के सामने भी काफ़ी सारे है, लेकिन बहुत चार्ज लग जाते हैं वहाँ पर। एक बार विड्रॉ करो कोई भी अमाउंट तो 500 से 600 रुपये इंडियन मनी में कमीशन ले लेते हैं इन सारे बैंक वाले पर ट्रांजेक्शन पर। मेरे को गूगल करने पर पता चला यहाँ पे एक KCB बैंक का ATM है जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री विड्रॉल है। तो मैं पैदल जा रहा हूँ, 15 मिनट लगेगा जाने में, तो फ्री विड्रॉल के लिए 15 मिनट मैं जा ही सकता हूँ पैदल। और अगर गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी भी है यहाँ पे, ऑटो वगैरह, डाला डाला, मटाटू, सब कुछ है, मोटर बाइक भी है, प्रॉब्लम नहीं है, नज़दीक है। तो मैं पैदल जा रहा हूँ और KCB बैंक से विड्रॉ करूँगा तो मेरा 500 से 600 रुपये बच जाएगा, विड्रॉल फ्री नहीं लगेगा, ये मेरे को गूगल करने पर पता चला। अच्छा सा ब्लॉग है, वेबसाइट है, जिसका नाम है नोमैडिक बैकपैकर, ऐसा कुछ नाम है। तो उस वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो।
अलग अलग देशों में फ्री एटीएम आपको कहाँ पे मिलेंगे। मनी विड्रो करूँगा, फिर थोड़ा खाना वाना खाऊंगा। सुबह से कुछ खाया नहीं, नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट किया हॉस्टल पे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं देते ये लोग। ईरान या फिर उगांडा जैसा नहीं है, ईरान उगांडा इंडोनेशिया में काफ़ी कुछ देते थे, बुफे सिस्टम था, लेकिन ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था। शायद मैं लेट से गया था, लेट से पहुँचा था, इसलिए शायद ख़त्म हो गया होगा। देखता हूँ कल क्या मिलता है, देखता हूँ। तो अभी मैं क्लॉक टावर के सामने आ चुका हूँ, अरुषा क्लॉक टावर, और ये काफ़ी ख़ास जगह है, ये बहुत ही ख़ास जगह है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मिडिल पॉइंट है ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मिडिल पॉइंट है, यानी साउथ अफ्रीका टू इजिप्ट का जो रास्ता है अगर बस से तय किया जाएगा तो उसका मिडिल पॉइंट ये आता है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मिडिल पॉइंट। मनी विड्रो हो गया है, अब कुछ खाना पीना कर लिया जाए। तो बैंक से पैसा तो उठा लिया, अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आके बैठा हूँ खाना खाने के लिए। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ठीक ठाक है। अगर मछली लेता तो 8,000 पड़ता, और चिकन लेने पर यहाँ पे 6,000 पड़ेगा, तो दाम उतना महंगा नहीं है। ये जो जगह है, जगह काफ़ी पॉश एरिया है, काफ़ी डेवलप एरिया है, बढ़िया जगह है और टूरिस्टिक एरिया भी है, उसके हिसाब से दाम ठीक ठाक ही है। 6,000 होगा चिकन और राइस का, उसके साथ वेजिटेबल भी रहेगा, तो दाम करीबन 200 रुपये होता है भारतीय रुपये में, तो ठीक ही है। चलिए खाना खाता हूँ और फिर निकलता हूँ, रात को आएंगे फिर यहाँ पे और मछली खाएंगे। तो देखिए खाना भी आ चुका है, अब थोड़ा एंजॉय करता हूँ। खाना सर्व करने का जो स्टाइल है काफ़ी बढ़िया है, थैंक यू। और ये तो यहाँ का पीली पीली है जो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत पसंद है ये मुझे पीली पीली, यानी यहाँ का मिर्ची। अब ये मिर्ची का केचप है, सॉस है। और खाना सर्व करने का जो तरीका है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, प्राइस के हिसाब से सही है यार, ठीक ठाक है प्राइस। यहाँ पे सर्व करने का जो स्टाइल है बहुत ही अच्छा है। तो ये वाली जो है ये चिकन है, और यहाँ पे कुछ ग्रेवी दिया हुआ है, देख के तो दाल लग रहा है, दाल नहीं है ग्रेवी है, और चिकन में भी ग्रेवी है, देखो चिकन भी ग्रेवी वाला है। और यहाँ पे एक सब्जी है, ये इधर का एक प्लांट है, एक प्लांट से दो तरीके का एक प्लांट यहाँ पे दिया गया है, और ये एक साग है, और ये तो चावल है।